नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का। जहां ग्रामीणों के लिए शासन की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव में पानी की टंकी के साथ साथ घर नल लगाकर पानी शुद्ध पहुंचाने का कार्य किए जाने का निर्देश दिए गए, पर शायद अधिकारियों की मिलीभगत से इस योजना में पीएचई विभाग के अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत से जल जीवन मिशन को शहडोल जिले में ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। जहाँ शासन के निर्देशों को दरकिनार कर बिना मापदंड के पानी की टंकी बनाई जा रही है, जो गुणवत्ता विहीन है और ग्रामीणों को नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही एक मामला जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम पंचायत शाहपुर से सामने आया। शासन की मंशा की घर घर शुद्ध पानी ग्रामीणों को मिल सके, पर शहडोल जिले में बैठे पीएचई विभाग में बैठे जिम्मेदार और ठेकेदारों की मिलीभगत से आज ग्रामीणों को जल जीवन मिशन के तहत पानी नहीं मिल पा रहा है और आज भी ग्रामीण दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। ग्राम पंचायत शाहपुर में आज 6 महीने से नल जल योजना बंद है और ग्रामीण दूर दराज से पानी ला रहे हैं। यहां तक कि ठेकेदारों ने पूरा कार्य भी नहीं किया, पर पीएचई विभाग में बैठे एसडीओ ने सरपंच सचिव से हस्ताक्षर कराकर बिना पानी शुरू किए ही ग्राम पंचायत को सौंप दिया और ग्राम पंचायत को कोई जानकारी नहीं दी गई। शहडोल जिले में कई पंचायतों में नल जल योजना बंद पड़ी है और पीएचई विभाग के अधिकारी चैन की नींद सोते दिख रहे हैं। आखिरकार कब मिलेगा शुद्ध पानी? वहीं शहडोल जिले के कमिश्नर राजीव शर्मा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में नल जल योजना के तहत होने वाले कार्य को पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए थे, पर यह कैसा कार्य जो दूसरों के काम में ही नहीं आ सके। ग्राम पंचायतों में नल जल योजना में ठेकेदार मनमानी करते दिखाई दे रहे, पर ना कोई देखने वाला है और ना कोई सुनने वाला। आखिरकार कब होगी कार्यवाही? क्या नाम है आपका और कौन से गाँव? सायपुर। ये नल का जो लगा हुआ ऐसे पड़ा हुआ है आपके यहाँ? ऐसे खड़ा करके चल दिए लोग। कौन चला गया था? ठेकेदार जो था। अच्छा, जो ठेकेदार आया था। कब से बंद है आपके यहाँ नल जल? 6 महीना हो गया। कोई अधिकारी आए थे देखने? मतलब कभी नहीं देखा, कोई अधिकारी नहीं आए। चलो ठीक। मैं आपका और कौन से गाँव? रामदास सिंह, मैं भूतपुर सरपंच हूँ। ये बताइए, आपके यहाँ नल जल योजना आज 6 महीने से ठप्प पड़ी हुई, जो कि कई जगह पर है जहाँ नल लगे हुए हैं मगर गिरे हुए हैं। ठेकेदार के द्वारा किसी प्रकार कोई अच्छे काम नहीं किए गए, क्या कहना है आपका इस? हमारा कहना ये है कि बीच में एसडीओ साहब आए थे और कहे थे कि हम अपने आदमी भेजें कि इनके साथ टीम बना के पूरी जांच करना, कहाँ पानी निकलता है कहाँ नहीं निकलता है। लेकिन नंबर दिए तब भी फ़ोन किए तो आज तक उन लोग कोई टीम का आदमी नहीं आया। और ये कितने दिन से लगभग बंद है नल जल? ये करीब 5-6 महीने से है। एक साइड थोड़ा बहुत पानी जाता है लेकिन बस्ती में कहीं पानी नहीं। टंकी भी लीक है जानकारी? और टंकी भी लीक है जानकारी है। उसको कई बार अवगत कराए उनसे कि उनको बनाया जाए, शायद उन पानी सही नहीं दे रहा है उसका जो वो डाला गया है। अच्छा अच्छा, तो हम कहें उसको बदल दिया जाए तो आज तक कोई कार्यवाही नहीं किया गया, ना कोई आया यहाँ। धन्यवाद। क्या नाम है आपका और कौन से गांव की हैं? और ये आपके यहाँ नल लगा हुआ है फिर भी पानी नहीं आ रहा है, क्या कहना है आपका? मैं सोनिया सिंह, ग्राम सायपुर से हूँ। ये हमारे यहाँ जल नल के प्रति ये नल लगा है लेकिन इसमें 6 महीने से हो गया, आज तक पानी नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये पानी के लिए नई टंकी बनी हुई है मगर पानी क्यों नहीं आ रहा है? आपने शिकायत की इसके लिए, बोला किसी से? जी नहीं किया किसी। ये पानी कितने मंथ से बंद है? लगभग 6 महीने से। 6 महीने से लगभग। सर, लगातार ग्राम पंचायतों में नल जल योजना जो शासन की चलाई जा रही है वहाँ पर ठेकेदारों की मनमानी देखने को आ रही है। कई ग्राम पंचायत है जहाँ पर नल जल के लिए टंकी बनाई गई मगर आज भी पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। जैसे ग्राम पंचायत आपका सायपुर है, वहाँ पर आज भी पानी सप्लाई नहीं हो रहा, इस पर क्या कहेंगे सर? हाँ, निश्चित रूप से जो पीएचई डिपार्टमेंट के अंडर में हमारे ठेकेदार लोग काम कर रहे हैं और उनका ये है कि आपको ग्राम पंचायत को हैंडओवर करने के पहले सभी एक निर्धारित प्रारूप है, उसमें एसडीओ साहब जो भी हैं, सब इंजीनियर हैं जो पीएचई के, वो पूरा टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद अगर वो चलाने लायक है तो 2-3 महीने उसको रन करेंगे, इसके बाद ही हैंडओवर करने का प्रावधान है। अगर वो कहीं पर गलत हैंडओवर किया गया है तो उसकी हम लोग परीक्षण करेंगे और उनको बोलेंगे, क्योंकि अभी ठेकेदार का काम चल रहा है और भी जगह पर, तो उनको हम बोलेंगे कि इस तरह का काम ना करें और जो मापदंड है उसके हिसाब से काम करें।